7 feet 0 inch this side distance, and 37 feet horizontal this side horizontal distance. ओके, तो हम बिल्डिंग प्लान यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 बेडरूम टॉयलेट डाइनिंग यहाँ पर D1, यहाँ पर बैक साइड में एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे. तो डोर साइज़ हम D1 और D से मार्क करेंगे, उसके ऊपर इसका शेड्यूल आएगा. ओके, यहाँ पर हम जो डोर D दिखा रहे हैं, इस D का मतलब है 3 फीट वाइड और D1 का मतलब 2 फीट 6 इंच वाइड. ओके, ऐसे करके हम डी जो डोर इसका जो पार्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, स्टेयर अप इधर और इधर, गेट ओके टी यहाँ पर गेट ओके. नेक्स्ट विंडो, इधर विंडो इधर विंडो और इधर विंडो और इधर विंडो. ओके, और इसमें देखिए जो साइड है इसके हिसाब से ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पर हम विंडो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर वेंटिलेटर और यहाँ पर देखिए दोनों साइड में इसका ब्लॉक है. ओके, पीछे से और फ्रंट साइड से इसका ओपन है, इसलिए हमने ऐसे बनाया है. ठीक है, ऐसे बनाया है इसलिए. तो उसके बाद हम इसका जो पार्ट है दिखाएंगे, देखिए कैसे. तो इससे अंदर हम कुछ कलर ऐड करेंगे, जिससे आपका अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कौन सा साइड पर ब्लॉक है और कौन सा साइड पर ओपन है. ठीक है, देखिए ऐसा आएगा इधर ऐसा. तो विंडो हम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइड में हमने कोई लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई जगह नहीं है, दोनों साइड में यहाँ पर ब्लॉक है, इसलिए हमने यहाँ पर बंद कर दिया है. तो यहाँ पर जो इंटरनल पार्टीशन वॉल 5 इंच वॉल हम जैसे आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 5 इंच वॉल शेयर किया है. आपको अगर प्लान के अंदर कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप प्लान के अंदर चेंज और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, अगर मान लीजिए कोई भी रूम आपको चेंज करके इधर से उधर लेना है, तो आप वो भी इधर आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट एक आइडिया आपके साथ हमने प्रोवाइड किया है, इस आइडिया आपको ऐसे मिलेगा. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है. अगर आपको लगता है इस आइडिया में कुछ गलत है, तो आप इसको चेंज करके आपके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो चलिए डिटेलिंग क्या है देखिए. डिटेलिंग में स्टार्टिंग में यहाँ पर जो एंट्री, हम इधर से एंट्री प्रोवाइड करेंगे, इधर से भी आप एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपको रहेगा बैल्कनी और पोर्च एरिया. ओके, तो इधर आने के बाद यहाँ पर आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर एक स्टडी और बेड, जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, और उसके बाद इधर जो गैप आपको दिखाई देगा, तो इसमें जो गैप आएगा
उसके बाद यहाँ पर 4 फीट 10 इंच वाइड यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको 4 फीट 2 इंच वाइड यहाँ पर। तो पैसेज इधर हम प्रोवाइड किया है पैसेज, इधर भी पैसेज है, पूरा पैसेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर आपको सीटिंग, सीटिंग प्लस सीटिंग, और यहाँ पर ड्राइंग, सीटिंग और ड्राइंग एरिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है इसलिए 9 फीट 4 इंच, और इधर जो क्या है इधर 7 फीट 11 इंच, क्योंकि हमने 3 रूम यहाँ पर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर गॉड और पूजा रूम हमने प्रोवाइड किया है, जिसका विथ 4 फीट, और यहाँ पर विथ 7 फीट 11 इंच यहाँ पर इसका डिस्टेंस। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेडरूम है इसका डिस्टेंस हमने 11 फीट 6 इंच प्रोवाइड किया है, और इधर देखिए 13 फीट। तो काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम यहाँ पर प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर जो बेल्कोनी है यहाँ पर 5 फीट 4 इंच वाइड यहाँ पर हमने बेल्कोनी प्रोवाइड किया है, इधर 8 फीट बेल्कोनी और पोर्च। तो यहाँ पर स्टडी रूम जहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पर 9 फीट 0 इंच, और एक साइड में 10 फीट हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या क्या करेंगे, इसके बाद इधर आने के बाद, इधर से हम जाएंगे, इधर आने के बाद हमें 2 रूम मिल गए। तो रूम यहाँ पर आप 1 कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर 2, और एक रूम हमने इधर भी प्रोवाइड किया है जो है बेडरूम इधर। तो इसका भी जो डिस्टेंस या साइज यहाँ पर मिलेगा 11 फीट 6 इंच वाइड, और इधर मिलेगा आपको 11 फीट 0 इंच वाइड। 11 फीट 0 इंच वाइड। तो इसमें क्या होगा, आपको और एक बेडरूम मिल जा रहा है। तो 1 2 3 बेडरूम के फ्रंट में यहाँ पर जो स्टेयर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इधर इधर इस साइड में, तो इसका जो गैप आएगा यहाँ पर 6 फीट इतना तक। और इधर से जो गैप आएगा इधर आपको कितना मिल जाएगा, देखिए टोटल गैप यहाँ पर 14 फीट 3 इंच गैप इधर मिल जाएगा। तो ये जो 3 फीट इसको लेकर टोटल टोटल, और इसका जो लेंथ टोटल मिलेगा आपको 9 फीट। तो इसके अंदर से आप यहाँ पर 3 फीट माइनस कर दीजिए, तो आपके डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर किचन, जो किचन आपको पीछे में मिलेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर 9 फीट 8 इंच। और इधर जो डिस्टेंस है इसका 8 फीट। इसके बाद यहाँ पर कॉमन, जो सभी के लिए कॉमन बाथ प्लस लेटरिन प्रोवाइड किया है, यहाँ पर टॉयलेट प्रोवाइड किया है हमने। तो कॉमन बाथ और लेटरिन 7 फीट 1 इंच यहाँ पर प्रोवाइड किया है, टॉयलेट यहाँ पर हमने 4 फीट प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है 6 फीट, इधर भी आपको 6 फीट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो प्लानिंग है देखिए 27 और 37, तो यहाँ पर जो है टोटल स्क्वायर फीट 999 स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको यहाँ पर जो बिल्डिंग प्लान है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अभी इसके अंदर हम कॉलम कॉलम पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक एक साइड का कॉलम हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखिए इधर हमने जो रूम है इसका 4 साइड में पहले कॉलम एक रो वाइज यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए ऐसे, तो स्टेयर का 4 साइड में हम कॉलम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ पर जो कॉलम है मेन कॉलम, यहाँ पर आप फॉल्स कॉलम जो है कॉलम, फॉल्स कॉलम नहीं, और आप कर सकते यहाँ पर इधर भी ओपन या कॉलम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉलम, और इसका जो कॉलम है इधर 10 x 10 इंच का, इधर जो वॉल 5 इंच वॉल
और इधर जो देखिए विंडो हमने 4 फीट यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर जो डोर 3 फीट वाइड डोर, यहाँ पर जो डोर 3 फीट वाइड डोर, यहाँ पर जो D1 2 फीट 6 इंच वाइड D1, ऐसे करके हमने यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 फीट 6 इंच वाइड, ओके। तो इसका जो टोटल देखिए 999, इसका जो बिल्डिंग कॉस्टिंग यहाँ पर आपको कितना आएगा, 15 लाख प्लस, ओके। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और आपको कुछ इस पर मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं।